नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि जो आपकी शायद जिंदगी बदल दे। बस ना ध्यान समझिएगा हमारी बात को, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि आपकी जिंदगी एक साल के अंदर बदल देगा। ये ऐसी टॉपिक है, ये ऐसा कंप्यूटर कोर्स है जिसको कर लेने से कभी भी आप प्रॉब्लम में नहीं रह सकते। है तो एक साल का, लेकिन मित्रों ये काम करेगा पूरा जीवन भर। मतलब आप समझ रहे होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। तो मित्रों, बात ये हुई कि जो हमारा एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ADCA के नाम जानते हैं। मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ADCA के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम ADCA करने जा रहे हैं, ADCA करने जा रहे हैं। किसी इंस्टीट्यूशन में गए, हमको पता करना है कि ADCA करना, कहीं आप किसी कंपनी में गए तो ADCA की मार्कशीट मांगता। आखिर ADCA होता क्या है भाई? बात तो ये भी होनी चाहिए ना, आप ADCA करने जा रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी करने जा रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ADCA एक्चुअल में होता क्या है, उसकी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, इसका ड्यूरेशन कितना लगता है, इसमें पैसा कितना लगता है, क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए। मित्रों, इसका जो सर्टिफिकेट है वो कौन देता है, तो हम पूरी बात करेंगे दोस्तों, एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा, मजा आने वाला है। मैं रत्नाकर उपाध्याय यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल के माध्यम से पूरा ADCA का कोर्स पढ़ाऊंगा, वीडियो को आगे तक देखते रहिए दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि जो हमारा ADCA होता है उसमें टाइम कितना लगता है। तो हाँ मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा ADCA होता है उसमें 1 ईयर लगता है टाइम, ये तो लगना ही लगना है, क्योंकि अगर हमें सही से नॉलेज लेनी है तो हमें 1 ईयर टाइम देना ही पड़ेगा, एकदम साफ बात है। अगर आप 1 ईयर टाइम नहीं देते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करना ही करना, ये कंफर्म है। दूसरी बात, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 ईयर का होता है, लेकिन जो इसकी फीस होती है कहीं भी इंस्टीट्यूशन, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई कोर्स करते हैं दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग फीस डिसाइड होती है, ये कंफर्म फीस नहीं होता है कि गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन लगा दिया कि इतनी फीस लेना तो इतनी फीस लेना, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 3,000 में करा रहा है, 5,000 में करा रहा है, 10,000 में करा रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो नॉर्मली जो फीस होती है इसकी वो होती है 6,000 to 8,000, इसी दोनों में से इन्हीं के अंदर में कोई फीस लेगा, इससे ज्यादा कोई फीस नहीं लेता। अगर इससे ज्यादा कोई फीस लेता है तो समझ लीजिए कि वो एक्स्ट्रा फीस ले रहा है दोस्तों, आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। और हां, इसकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सीधी सी बात समझिए, हम सबसे बड़ी बात है कि लोग सोचते हैं, छोटे से ही छोटे बच्चे भी सोचते हैं कि हम ADCA कर ले, कर सकते हैं कि नहीं, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या होनी चाहिए। तो मित्रों हम बता दें आज आप लोगों को कि इसकी जो एक्चुअल में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10th होनी चाहिए, ओनली 10th। 12th जो भी आप डिप्लोमा साइंस आर्ट कुछ भी किए हैं, जरूरी नहीं है कि आप साइंस से पढ़े हैं तो भी ADCA कर सकते हैं, कंप्यूटर स्ट्रीम लिए तो ही ADCA कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 10th क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप ADCA का कोर्स आराम से कर चुके हैं, अगर आप 12th क्वालिफाई कर चुके हैं तो भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन PG कुछ भी किए हुए हैं, साइंस आर्ट का कुछ भी डिप्लोमा डिग्री कुछ भी लिए हैं, लेकिन आप ADCA कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा कंप्यूटर का कोर्स है ADCA, इसमें क्या होता है कि मित्रों जो इसमें सबसे बड़ी बात है 10+2 पे हम लोग आराम से कोई भी कोर्स कर सकते हैं कंप्यूटर का, तो इसी के अंदर कंप्यूटर कोर्स के अंदर ये भी हमारा एक कोर्स आता है ADCA, जो कि हमारा आराम से काम करता है। हम बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेबस पे कि आखिर इसका सिलेबस होता क्या है, इसको करने के बाद कौन कौन सी हम जॉब पा सकते हैं, कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, अपनी डिग्री हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो मित्रों हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस पे कि आखिर इसका जो सिलेबस होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम बता दें आपको कि कंप्यूटर का कोई भी कोर्स हम स्टार्ट करते हैं तो हमें बेसिक कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है, ध्यान समझिएगा हमारी बात को, कंप्यूटर का कोई भी कोर्स हम लोग करते हैं तो हमें बेसिक कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है, जिसको हम लोग फंडामेंटल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फंडामेंटल के नाम से जानते हैं। फंडामेंटल में क्या क्या आता है? सबसे पहले आएगा व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, हिस्ट्री, हिस्ट्री आ जाएगा, ठीक है, एडवांटेज आ जाएगा,
एप्लीकेशन आ जाएगा, डिसएडवांटेज आएगा, ठीक है, जनरेशन आएगा। ये क्या है? ये हमारा है बेसिक, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर का एक छोटा सा डिटेल जिसमें हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, वीडियो लिंक में पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर होता क्या है। जितने भी पार्ट्स बताएंगे सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, आपको सब कुछ आना चाहिए। आपको किसी इंस्टीट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है, किसी सर्टिफिकेट को पाने की जरूरत नहीं है, आप मात्र हमारे कंप्यूटर की वीडियो देख लेने से आप कंप्यूटर के महान ज्ञाता बन जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर क्या होता है, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे उसकी, भाई पिछला कैसे कंप्यूटर हमारा आया, कैसे आया हमारे पास, हम लोग कैसे यूज करते हैं, एडवांटेज उसकी अच्छाइयां क्या है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इसकी डिसएडवांटेज बुराइयां क्या है, और इसकी पीढ़ियां क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पूरा हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद आता है हमारा इनपुट आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इनपुट आउटपुट क्या होता है। कंप्यूटर का जो इनपुट आउटपुट होता है उसे हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को इनपुट कैसे मिलता है, प्रोसेसिंग कैसे करता है, आउटपुट कैसे देता है। तो ये हमारा इनपुट आउटपुट है, ऑलरेडी इसका वीडियो पड़ा हुआ है मित्रों। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसी में, अगर हम लोग इसी कड़ी में देखें तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। अब कंप्यूटर कितने पार्ट होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कौन सुपर कंप्यूटर होता है, कौन सा मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम, तो ये सारे कंप्यूटर के पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें कंपलसरी है ये सब पढ़ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो प्रोसेसिंग कैसे करता है, हमारा कैसे यूज होता है। उसके बाद हम लोग मेमोरी यूनिट पढ़ेंगे, मेमोरी यूनिट भी इसमें पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि भाई कंप्यूटर का दिमाग कहाँ होता है, कैसे यूज होता है, ये सब हमें पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद हम लोग इसमें विंडोज़ भी पढ़ेंगे, विंडोज़ ओवरव्यू या फिर जो भी कह लें हम लोग, जिसमें क्या आता है, 8 आता है, 7 सॉरी हम लोग XP पढ़ लेंगे, 7, 8, 10, ये सब हम लोग सारे विंडोज़ पढ़ेंगे। अब तो हमारा एक विंडोज़ और आ गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है, जिसको हम लोग उबंटू के नाम से जानते हैं, इसको भी हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। ये हमारा विंडोज़ ओवरव्यू है, विंडो मतलब समझ रहे हैं आप ना, जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो किसी न किसी विंडो पे ही आधारित होता है, कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा ही होता है उसमें, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी कंप्यूटर चल नहीं सकता, तो इसकी जानकारी लेना कंपलसरी है। फिर उसके बाद इसमें क्या आता है, हमारा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर आएगा, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा। अब ये तो आप जानते ही हैं, एक सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। और हाँ, रही शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे, शॉर्टकट की भी पढ़ेंगे, शॉर्टकट की क्या होती है। अब शॉर्टकट की हम लोग भाई कंट्रोल प्लस ए तो ये, कंट्रोल प्लस बी तो वो, कंट्रोल प्लस सी तो हमें जानना है दोस्तों, कंट्रोल से ए सेलेक्ट, बी से बोल्ड, सी से कॉपी, ये सारी चीजें हम लोगों को इसमें जानना ही जानना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वायरस पे कि आखिर ये वायरस होता क्या है, अटैक कैसे करता है, हम लोगों के पास आता कैसे, तो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है, सारी जानकारी हम लोग लेंगे। उसके बाद भाई अब इसकी दवा भी तो हमें जाननी होगी, तो हम लोग एंटीवायरस भी पढ़ेंगे इसमें कि एंटीवायरस कैसे बनाया जाता है, कैसे यूज होता है, ये जो है प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर हमारा एक टॉपिक और बचता है जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम जानते हैं दोस्तों, तो हम लोग सॉफ्टवेयर की अगर बात कर लें, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, हार्डवेयर पे भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें कंपलसरी जो मैं बता रहा हूं। आप लोगों को कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिए कि सर ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आई, मैं बताऊंगा, उसी के लिए मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब आप लोग सिंपल सी बात जानते हैं कि एमएस ऑफिस है, सॉरी एमएस पेंट, पेंट है, वर्ड पैड है, नोट पैड, ठीक है। अब एमएस ऑफिस की अगर हम बात करें तो एमएस ऑफिस में आप लोगों को पता है सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट।
अब ये तीनों चीज भाई आप लोग जानते ही होंगे। अगर हम बात करें इसकी हार्ड सॉफ्टवेयर में, तो हमारा पेंट क्या होता है, पेंट हम डिजाइन बनाने के लिए यूज करते, जो हम लोग क्लास फिफ्थ में क्लास फोर्थ में यूज करते थे, साड़ी का किनारा बनाते थे, कमल बनाते थे, तो वो सारी चीजें हम लोग इसमें आसानी से बना सकते हैं। वर्ड पैड क्या होता है, हमारा लिखने का काम करता है। नोट पैड भी हम क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं। एमएस ऑफिस के अंदर अगर हम आते हैं तो सबसे पहला हमारा आता है एमएस वर्ड, जिसमें हम लोग लेटर भी बना सकते हैं, रिज्यूम भी बना सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को भी बना सकते हैं, हम लोग कुछ भी मर्ज मेल भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी हम लोग अपने एमएस वर्ड में आराम से कर सकते हैं। और हमारा जो एक्सेल होता है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे कंप्यूटर का, इसको अगर आप आसान पढ़ लिए तो कभी भी जीवन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक्सेल का मतलब होता है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं, किसी भी कंपनी में जाएंगे कोई भी डिटेल बनाना पड़ा तो हमें एक्सेल में ही बनाना पड़ेगा। और पावर पॉइंट जो होता है दोस्तों, ये होता है एनिमेशन बनाना, यानी कि किसको हम लोग कैसे आकार थोड़ा सुंदरता बढ़ाए, उसमें हम लोग साउंड दे दें, वीडियो बनाने का काम करता है हमारा पावर पॉइंट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों डीटीपी, इसमें आता है डीटीपी। अब डीटीपी क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। डीटीपी का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। अब डीटीपी का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसमें सबसे पहले क्या आता है, आप लोग जानते होंगे कोरल ड्रा, क्या आता है कोरल ड्रा। अब ये कोरल ड्रा क्या होता है दोस्तों, कोरल ड्रा एक ऐसी चीज है, जितने भी आल वर्ल्ड में आप बैनर पोस्टर देखते हैं, ये सब कोरल ड्रा से बनता है, जितनी भी डिजाइनिंग होती है ये सब कोरल ड्रा से होती है। तो कोरल ड्रा पढ़ना कंपलसरी है, और बिना कोरल ड्रा के तो कुछ होने वाला नहीं, कोरल ड्रा के टीचर भी नहीं मिलते, आप हमारे इंस्टीट्यूशन में आके पढ़ सकते हैं कोरल ड्रा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, फोटोशॉप है, इसके तो टीचर अच्छे से मिल जाते हैं, लेकिन ये कंपलसरी, आप अगर इसको पढ़ लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, सीधी सी बात, हम अपना स्टूडियो खोल लेंगे, हम स्टूडियो खोल के आराम से फोटोग्राफी तो कर सकते हैं ना, बिजनेस कर सकते हैं। तो फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रा, और हाँ एक होता है हमारा पेज मेकर। पेज मेकर क्या होता है, पेज मेकर एक ऐसी चीज है, जितनी भी किताबें हमारी छपती हैं मार्केट में, जितनी भी किताबें हमारी डेवलप होती हैं, उससे अब बनाने के लिए हमारा पेज मेकर बनाना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हमें अगर बुक में छापनी है और हमें अगर एपीएस पे काम करना है तो पेज मेकर यूज करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा है डीटीपी। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हमारा और आगे बचा हुआ है, तो स्टूडेंट्स इसको हम इरेज कर देते हैं आप लोग। तो मित्र, मैंने अभी आपको बताया डीटीपी क्या होता है, डीटीपी को हम लोग कैसे यूज करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं इसके सिलेबस में, एडीसी के सिलेबस में। तो हम लोग देखेंगे कि एक हमारा होता है वेब डिजाइनिंग, क्या होता है वेब डिजाइनिंग, ये क्या होता है वेब डिजाइनिंग का मतलब क्या हुआ, हम लोग थोड़ा सा अपना HTML पढ़ लिए, थोड़ा सा एक आध दो लैंग्वेज पढ़ लिए, इस लैंग्वेज को पढ़ लेने से क्या होगा मित्रों, कि हम आराम से वेब डेवलपर बन सकते हैं, छोटे मोटे वेब डेवलपर बन सकते हैं, किसी भी साइट का निर्माण कर सकते हैं। और इसको अगर आप पढ़ लिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी वेब डेवलपर के पास जाके जॉब कर सकते हैं, आप जो है खाली हाथ नहीं बैठने वाले हैं। इसके बाद एक होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम है टैली। अब बताइए इसका नाम तो आप लोग सुन लीजिए, हम इसका वर्जन भी लिख देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर जी जो है वर्जन ही नहीं जानते हैं, हम वर्जन भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टैली ईआरपी 9 विथ जीएसटी, इस समय जो हमारा पर्टिकुलर चल रहा है मार्केट में, जिसकी क्रेज है, उसका नाम है टैली ईआरपी 9 विथ जीएसटी। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, और ये एक ऐसा अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है दोस्तों, कि कभी भी कहीं भी आपको खाली हाथ नहीं बैठने देगा, किसी भी शॉप में आप आराम से जाके वर्क कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में जाके वर्क कर सकते हैं, अगर आप टैली को पढ़े हैं दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, एक हमारा लैंग्वेज आएगा जिसको हम लोग सी लैंग्वेज कहेंगे। अब ये भी कंपलसरी ही पढ़ना है इसमें, क्योंकि अगर हम लैंग्वेज नहीं जानेंगे तो हमारी प्रॉब्लम किस में होगी, वेब डिजाइनिंग में होगी, सीधी सी बात एकदम समझिए कि हमें लैंग्वेज जानना कंपलसरी है। और हाँ, कुछ इंस्टीट्यूशन वाले क्या करते हैं, सी लैंग्वेज के बजाय हम लोग क्या करते हैं कि पाइथन पढ़ा देते हैं, पाइथन पढ़ा देंगे, या फिर हम जो जावा पढ़ा देंगे, कोई ऐसा लैंग्वेज पढ़ा देंगे कि जिससे हमारा काम आसानी से बन सकता है दोस्तों। तो ये हमारा है सी लैंग्वेज। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें एक और बजता है जिसको हम लोग हार्डवेयर के नाम से जानते हैं,
हार्डवेयर के नाम से जानते हैं कि मतलब क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके हार्डवेयर कैसे होते हैं, इसके पार्ट्स कैसे होते हैं, कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं। अब रैम को निकालना हुआ तो हम लोग लगाएंगे कैसे, हमें पता होना चाहिए ना कि हम रैम कैसे लगाएंगे, हम लोग मदरबोर्ड क्या होता है, उसमें वायर कैसे लगे होते हैं। तो बेसिक नॉलेज ऑफ हार्डवेयर भी इसमें आप लोगों को दिया जाएगा मित्रों, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ADCA होता है इसको कर लेने से हमें जॉब की अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ होती है, हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी जो होती है वो होता है कंप्यूटर ऑपरेटर का। आप आसानी से कहीं भी जाके कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर सकते हैं, ये समझ लीजिए। आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ADCA किए हैं, वन ईयर अपना एक्सपेंड किए हैं, देन आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा चीज है डाटा एंट्री का, हम लोग कर सकते हैं। अब डाटा एंट्री कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि अगर हम टैली पढ़ लेंगे तो टैली पढ़ने के बाद हम लोग कहीं पे भी किसी भी तरीके से अपना डाटा एंट्री कर सकते हैं, तो हम लोग आसानी से डाटा एंट्री इसमें कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा जो तीसरा होता है वो वेब डिजाइनिंग का होता है, हम लोग वेब डिजाइनिंग का पढ़। अब वेब डेवलपर भी आसानी से हम लोग बन सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, हम लोग इसमें डिजाइनर भी बन सकते हैं, जिसको कोरल ड्रा के नाम से हमने बताया, कोरल ड्रा पढ़ लेने से आप डिजाइनर बन सकते हैं। आप लोग अपना जो है अपना खुद की शॉप ओपन कर सकते हैं, किसकी, फोटोग्राफी की। तो फोटोग्राफी इसमें हम, आप अगर फोटोशॉप पढ़े हुए हैं तो फोटोग्राफी के आराम से इसमें आप लोग अपना खुद का शॉप ओपन कर सकते हैं। और हाँ, इसमें मैंने एक टॉपिक अभी छोड़ दिया है, दिमाग से उतर के बताता हूँ आपको, इंटरनेट होता है दोस्तों, ठीक है। इंटरनेट की बात अगर हम करते हैं, बंद करा वीडियो तो इंटरनेट। तो मित्रों हम बता दें आपको कि जो हमारा ADCA का सिलेबस है इसमें एक टॉपिक और हमारा है जिसका नाम है इंटरनेट है, बंद कराए हो क्या, हम ही कहें कह देने की एक टॉपिक और। तो मित्रों हम बता दें कि जो हमारा इंटरनेट एक हमारा टॉपिक है इसमें, जिसका नाम इंटरनेट के नाम से, अब ये तो आप लोग जानते ही हैं, इसकी ऑलरेडी जो है हमारे वीडियोस पढ़ चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके पा सकते हैं आसानी से इंटरनेट के। और एक है हमारा नेटवर्क, ठीक है। अब नेटवर्क और इंटरनेट क्या होता है, कैसे यूज होता है, इस चीज की जानकारी हम आपको देते हैं। इंटरनेट का मतलब क्या है, आज के समय में आप भी इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते, हम भी नहीं रह सकते। अगर आप नहीं है तो हम नहीं है, अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो वीडियो आप लोगों को देखना ही देखना है, अगर वीडियो देखना है तो इंटरनेट चलाना ही चलाना पड़ेगा। तो इंटरनेट का महत्व बताने की जरूरत हमको नहीं है। हम बात करते हैं नेटवर्क पे, तो जो हमारा नेटवर्क होता है मित्रों इसमें क्या है, अब इसमें कई प्रकार के नेटवर्क होते हैं, लैन होते हैं, मैन होते हैं, वैन होते हैं, सैन होते हैं, पैन होते हैं, कैन होते हैं, ये हमारे नेटवर्क हैं। इसके बाद क्या है, हमारा इसी नेटवर्क में एक ऑप्शन आता है टोपोलॉजी के नाम से। अब टोपोलॉजी भी नेटवर्क के ही अंदर आता है। तो टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है आपको हम बता दें, जो हमारा नेटवर्क का टोपोलॉजी होता है उसमें होता है हमारा स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैस टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी, मतलब इतना हमारा नेटवर्क पढ़ना ही पढ़ना है मित्रों, ठीक है। ये हमारे नेटवर्क के टॉपिक है, बाकी चीजें आप लोग समझ चुके हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स कर नहीं सकते, करना ही करना अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट करिए और बताइए कि हमें जो है इसमें प्रॉब्लम कहाँ हुई है, सिलेबस में क्या प्रॉब्लम है, आप लोग हमें बिल्कुल बताइए, हम उस पर उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो सके मित्रों। तो आज की वीडियो के लिए यहीं पर बहुत बहुत धन्यवाद।